विपक्ष उपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है तो बड़ी जानकारी, विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आपको बताएं कि एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल इसी मुद्दे को लेकर बैठक कर रहे हैं, प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर मंथन होगा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, हम पहले बात कर रहे थे जहां सीएम मनोहर लाल की इसी मुद्दे को लेकर बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विपक्ष दल की यानी कि विधायक दल की जो बैठक है वो करने वाले हैं। अगर दोनों को कनेक्ट किया जाए तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर इस बार का बजट पेश किया जाता है तो हमें कितनी राहत मिलेगी। देखिए, सपा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई है विधानसभा बजट सत्र को लेकर, जो है रणनीति बनाई जाएगी। बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर 3 बजे जो है ये बैठक, विधायक दल की जो बैठक है वो होने जा रही है। इसका मुख्य एजेंडा यही है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार को किस प्रकार से घेरा जाए। तमाम जो जिस प्रकार से इस बैठक में जो तमाम विधायक आएंगे वो अपनी अपनी राय देंगे, अपने अपने हलकों में कौन कौन सी समस्याएं हैं वो इस बैठक में बताएंगे, और आने वाले बजट सत्र में सरकार को घेरने का प्रयास जो है उसकी एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जी ठीक है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि यहाँ विपक्ष ने ये भी कहा है कि सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि हर बार विपक्ष का यही कहना होता है कि यहाँ हमारे लिए कोई राहत नहीं दी जाती है। जब देश का बजट जारी किया गया था उस वक्त विपक्ष का यही कहना था कि यहाँ ना तो गरीबों के लिए कोई राहत मिली है ना किसानों के लिए कोई राहत मिली है। बिल्कुल साधन, देखिए लगातार जब भी बजट आता है विपक्ष लगातार हंगामा करता है, और विपक्ष जो है जिस प्रकार से कहता है कि सरकार का जो ये बजट है ये कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के हित का नहीं है, उन्हें एक झुंझुने के तौर पर ये बजट पेश किया गया है, लोगों को लोभ लुभाव वादे जरूर किए गए इस बजट में, ऐसा कोई प्रावधान, ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार विपक्ष लगाता रहता है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया था, तमाम जो विधायक हैं हरियाणा के उनसे सलाह मशवरा करके, एमपीज हैं उनसे सलाह मशवरा करके बजट बनाया जाता है। और पिछले बजट सत्र में आपने देखा होगा कि कुछ विधायकों ने बजट पेश होने के बाद भी आरोप लगाए थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाम लेते हुए विधायकों के, विपक्ष के विधायकों के नाम लेते हुए कहा था ये आपका सुझाव था हमने ये इम्प्लीमेंट किया है, ये आपका सुझाव था ये हमने इम्प्लीमेंट किया, तो तमाम विधायकों के नाम लेते हुए सुझावों को बताया कि ये सुझाव आपने दिए। उसी सवाल ऐसे में ये भी उठता है ना कि इस बार भी सीएम मनोहर लाल ने यही कहा है कि सुझाव सभी के लिए जाएंगे, मतलब कि मंथन सभी की बातों पर किया जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए एक नई परंपरा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से शुरू की गई थी, और उसी नई परंपरा के तहत तमाम जो विधायक हैं हरियाणा के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, तमाम विधायकों से सलाह मशवरा किया जाता है, उनसे राय मांगी जाती है, उनका कोई ओपिनियन है, कोई अच्छा ओपिनियन होता है तो वो उसको बजट में शामिल किया जाता है। इस प्रकार की परंपरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू की थी, और उसी के तहत जो है वो बजट सत्र में जो सारे काम होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी सुझाव उनको अच्छा लगता है या हरियाणा प्रदेश के हित का होता है तो उसको इसमें बजट सत्र में इम्प्लीमेंट जरूर किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए।